समझ आया कि रिपीट करूं? बोलो बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट किसका डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू एंड हिस्टोरिकल वैल्यू। किसकी? जो हम आज चीज़ सेल कर रहे हैं आज की डेट में उसकी वैल्यू, और जब हमने उसको ख़रीदा था उस डेट को वैल्यू, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट। नंबर टू, इस एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दिस एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ टाइम गैप बिटवीन परचेज एंड सेल्स। ये तो होता नहीं कि हम चीज़ आज ख़रीदी है और आज की हमने बेच दिया, टाइम लग जाता है। अगर तो टाइम नहीं लगता फिर तो इस एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट क्योंकि कई बार होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बल्क में ख़रीदी जाती हैं और उनको निकालने में टाइम लग जाता है, जैसे यहाँ आजकल की जो सिचुएशन है जब चीज़ों की डिमांड बहुत कम हो गई हुई है, तो हमने चीज़ें तो ख़रीद ली थी पहले, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, अब उसको सेल होने में टाइम तो लगेगा ही ना, तो उसके प्राइसेस में चेंज आ गया होगा। तो टाइम गैप को एडजस्ट करने के लिए हमें इस एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर थ्री, स्टॉक एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड सोल्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। इसमें क्या होता है हमारा होल्डिंग गेन। मनीष ध्यान से सुनना, हमने प्रीवियस पीरियड में कोई स्टॉक एक्वायर किया था, उसको हमने बेचा कब? करंट ईयर में। तो हमारा क्या हो जाएगा? होल्डिंग गेन अराइज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसका प्राइस कम भी हो जाए और हो सकता है उसका प्राइस राइज भी हो जाए। तो उसको होल्ड करने से हमारा जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, हमने कम में ख़रीद लिया था, आज की डेट में उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? होल्डिंग गेन। समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब है तो ये एसेट ही, एसेट है हमारा, और मॉनेटरी एसेट नहीं है। मॉनेटरी एसेट तो दूसरे होते हैं, डेटर्स हो गए या कैश हो गया। अब स्टॉक है, हमने पिछले साल ख़रीद लिया, हमारे पास पड़ा था, अब अगर आज हम उसको ख़रीदने जाएंगे तो आज की डेट में तो उसकी स्टॉक की वैल्यू बड़ी होगी, बट हमारा होल्डिंग गेन बढ़ जाएगा क्योंकि हमने उसको पहले ख़रीद लिया था। बेचेंगे तो हम उसको आज के प्राइस पे, तो हमारा क्या हो जाएगा? होल्डिंग गेन अराइज। तो होल्डिंग गेन को एडजस्ट करने के लिए भी हम ये एडजस्टमेंट करते हैं, और होल्डिंग गेन को हमने ट्रांसफ़र कहाँ करना है? नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिज़र्व। आपको पता है कल हमने बात की थी कि हम एक रिज़र्व बनाएंगे, कौन सा रिज़र्व बनाएंगे? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व। तो होल्डिंग गेन जितना भी होगा, जितना भी यहाँ से हमें एडजस्टमेंट के बाद होल्डिंग गेन मिलेगा, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना शेयर होल्डर्स के बीच में, वो हमारा रिजर्व में पड़ा रहेगा, उसको हमने होल्डिंग गेन को वहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। प्लस मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम इस एडजस्टमेंट को करते हैं, क्योंकि स्टॉक तो हमने पिछले साल ख़रीदा, बेच आज रहे हैं, तो वो मैच नहीं करेगा, तो उस चीज़ को मैच करने के लिए भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट। हो गए सारे पॉइंट्स क्लियर? यस मैम। सबको हो गए बेटा? किसको कोई डाउट? अब हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलेंगे। यस अमित, अनीता, चंचल, चिराग, जतिन, यस मैम, लवनीश, यस मैम, मुकेश, परमजीत, प्रीति, रीतम, सौरभ, शुभम, करें प्रैक्टिकल स्टार्ट? करें बेटा स्टार्ट। यस मैम। है बुक सबके पास? बेटा पहले तो एक सिर्फ उसने एग्जांपल दिया है, मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ और साथ साथ अपनी डायरी पे नोट करूंगी। उसने बोला है, द नीड फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज एक्स परचेजेस 100 बैग्स ऑफ प्रोडक्ट इन ईयर 2018 एट 900 पर बैग। 2018 में उसने कितने बैग्स खरीदे? 100 बैग्स, और एक बैग की वैल्यू कितनी थी? ₹900। एंड सेल्स देम इन द ईयर 2019 एट 1200 पर बैग। 2019 में उसने सारे के सारे बैग बेच दिए, कितने में? ₹1200 में। अब वो कहता है, द प्राइस एट विच ही कैन नाउ परचेज सच बैग्स बीइंग 1000।
अगर वो आज की डेट में उन बैग्स को खरीदता तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 1000। ठीक है, अब वो कहता है अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे देखें, ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस द प्रॉफिट अर्न इज 300 पर बैग, बट ऑन करंट कॉस्ट बेसिस द प्रॉफिट बैग इज ओनली 200। द डिफरेंस बिटवीन 1000 एंड 900 इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट। समझ आया सब? एक साल पहले उसने जो बैग खरीदा था वो 900 रुपए का था, आज की डेट में उस बैग की वैल्यू कितनी है? 1000। तो हमने एडजस्टमेंट किसके लिए करनी है? 1000 माइनस 900, 100 विद बी द कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट। हिस्टोरिकल वैल्यू और करंट वैल्यू में जो डिफरेंस है दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट। समझ आया बेटा? हो गया? इजी है? यस मैम। अब इसका हमने क्या करना है, फॉर्मूला करेंगे इसका हम। कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज सी माइनस ओ माइनस एल ए सी डिवाइडेड बाय एल सी माइनस ओ डिवाइडेड बाय एल ओ। अब क्या है इसमें, सी स्टैंड्स फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सी क्लोजिंग है ना। ओ स्टैंड्स फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एल ए स्टैंड्स फॉर एवरेज इंडेक्स, एल सी स्टैंड्स फॉर इंडेक्स फॉर क्लोजिंग एंड एल ओ स्टैंड्स फॉर इंडेक्स फॉर ओपनिंग। मैं दोबारा कर रही हूँ फॉर्मूला, सी ओ एस ए इज इक्वल टू सी ओ एस ए कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट इज इक्वल टू सी माइनस ओ माइनस एवरेज इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स नंबर ऑफ ओपनिंग स्टॉक। समझ आ गया फॉर्मूला सबको? यस मैम। अब करो इसका सम। हाँ जी बाकी बेटा? यस मैम। ओके चलो अब हम स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ और फिर हम इसका सम करेंगे साथ साथ। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हिस्टोरिकल कॉस्ट, और सामने उसके इंडेक्स नंबर दे रखे हैं। ओपनिंग स्टॉक है 60,000 और उसका इंडेक्स नंबर है 160। परचेजेस 5,00,000, इंडेक्स नंबर 180 जो एवरेज हमने निकाल लिया। टोटल अवेलेबल फॉर सेल्स 5,60,000, टोटल स्टॉक हमारे पास 5,60,000 अवेलेबल फॉर सेल्स है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 80,000 बच गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास क्या आ गया? 4,80,000। और उससे सिंपल COGS निकाल के बताया है। इंडेक्स नंबर्स हमें ओपनिंग का दे रखा है, हमें एवरेज का दे रखा है, हमें क्लोजिंग का दे रखा है। आपके बुक में इसको दो तरीके से कर रखा है, मैं भी आपको दोनों मेथड्स ही बताऊंगी, बट सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने किया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन बोलो बेटा, फॉर्मूला अभी करवाया है? यस मुकेश, मुकेश हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू। हाँ हाँ, नहीं मैंने जो भी फॉर्मूला बताया था नोट किया फॉर्मूला सी माइनस ओ वाला? हाँ वो बोलो। हाँ वो सी माइनस ओ माइनस ओ माइनस एल ए माइनस एल ए सी हाँ बटा एल सी डिवाइडेड बाय एल सी आगे माइनस माइनस ओ डिवाइडेड बाय एल ओ एल ओ। शाबाश। अब इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? यस सृष्टि,
सृष्टि बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? मैम 80,000। गुड। हाँ जी मनदीप। यस मैम। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000। ठीक है। एवरेज इंडेक्स कितना है चंचल? मैम 180। एवरेज इंडेक्स इज 180। क्लोजिंग स्टॉक हर्ष 89 रोल नंबर। यस मैम। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 200। क्लोजिंग स्टॉक 80,000। हाँ जी जतिन। क्लोजिंग स्टॉक का इंडेक्स नंबर? क्लोजिंग स्टॉक का इंडेक्स नंबर कितना है? 200 माइनस। हाँ जी लवनीश। यस मैम। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है? मैम 60,000। हाँ जी मनीष चोपड़ा। मनीष चोपड़ा, मनीष शर्मा। मैं 160। अब हम इसकी क्या करेंगे कैलकुलेशंस। 80,000 माइनस 60,000। परमजीत। बेटा परमजीत कैलकुलेशन करो। 80 माइनस 60। आवाज नहीं आ रही लग रहा है। हाँ जी प्रियंका। यस मैम। करो कैलकुलेशन। 80 माइनस 60। 20,000 माइनस 180। 80,000 डिवाइडेड बाय 200। फोर हंड्रेड। गुड। हाँ जी रीतम। 60,000 डिवाइडेड बाय 160। 375 मैम। 375। आगे राजदीप। 400 माइनस 375 कितना बच गया? 25। सदवीर 180 into 25। 400 कितना? 4500। तो कितना बच गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स? सौरभ, सौरभ सोनी। यस मैम। यस मैम। कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट कितना आया? 15,500। हाँ 15,500। बेटा समझ आ गया यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है? ये तो था जब हम फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक्चुअल में COGS कितना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स? यस गुरप्रीत। गुरप्रीत, अनीता, अमित। यस मैम। बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया हुआ है? मैम मैंने लेक्चर सुना नहीं ढंग से। स्टेटमेंट है आपके पास? नो मैम मैं बाहर था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। चिराग। यस मैम। हां जी बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स एज पर हिस्टोरिकल वैल्यू कितनी है? 4,80,000। इसमें हम क्या करेंगे बेटा? प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट कितना आ गया? 15,500। तो हमारा एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी? हाँ जी जितेंद्र। जितेंद्र आवाज आ रही है? समझ आ गया बेटा ये पॉइंट? यस मैम। पहले हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हमने COSA निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट, फिर हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट में उसको प्लस करके हमारा नेट एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया? 4,95,500। अब इसको करने का एक और मेथड है जो आपकी बुक में भी गिवन है।
हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। देखो सबसे पहले तो स्टॉक में इंक्रीज निकालना होता है, इंक्रीज इन स्टॉक एज पर हिस्टोरिकल वैल्यू कितना आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस लेना है यहाँ पे, कितना है बेटा 20,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों की इंडेक्सिंग करनी है, ओपनिंग की भी और क्लोजिंग की भी। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की इंडेक्सिंग करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 80,000 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स क्लोजिंग का है 200 डिवाइडेड, हाँ सॉरी ठीक है 180 ओवर 200, तो ये कितना आ गया 72,000। उसके बाद हमने लेनी है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कितना आया 60,000 इंटू 180 अपॉन 160, तो ये कितना आ गया 67,500। इन दोनों में डिफरेंस कितना है करंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली 4,500, तो नेट चेंज कितना आ गया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 माइनस 4,500 15,500। समझ आया कि रिपीट करो बेटा? एम एवरेज कॉस्ट कैसे निकला? एवरेज करंट, ये हमने जो निकाली है 80,000 की जो एवरेज करंट कॉस्ट है वो है 72,000, और जो ओपनिंग स्टॉक की है वो है 60,000 का, ये कन्वर्ट हो गया 67,500। एवरेज के बेस पे नहीं लेते, इंडेक्सिंग पूछ रहा हूँ, एवरेज इंडेक्सिंग एवरेज के बेस पे लिया है ना बेटा? उसका है, तो इसमें हमने क्या माना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा किस में से आएगा, परचेजेस में से, तो हमने परचेजेस का कितना लिया 180, 200 उसका अपना था, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कितना है सॉरी 180 तो उसी में से लेना है एवरेज में से, और 160 उसका ओपनिंग खुद का है। इसको पिछले वाले में से कंफ्यूज मत करो कि वहाँ पे हम ऊपर लेटेस्ट लेते थे और नीचे हम ओपनिंग लेते थे, यहाँ पे हमने करंट वैल्यू निकालनी है, करंट वैल्यू के लिए जो हमारा ऊपर हमने क्या लिया है एवरेज इंडेक्स लिया है, और नीचे हमने जो उनका अपना इंडेक्स था उसको लिया है, डोंट गेट कंफ्यूज विद प्रीवियस वन। ओके मैम, हमने इनकी एवरेज निकालनी है एवरेज इंडेक्स के बेस पे, तो न्यूमिरेटर में क्या आएगा एवरेज इंडेक्स, और डिनोमिनेटर में जो उनका अपना खुद का इंडेक्स है वो आएगा। इसमें हम ये नहीं देख रहे कि पहले कितना था और अब कितना है, अब हम उनकी सिर्फ आज की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आज की वैल्यू किसके बेस पे निकलेगी एवरेज के बेस पे, तो एवरेज हमने न्यूमिरेटर में ले ली है, और जो उनका अपना इंडेक्स था क्लोजिंग का इंडेक्स 200 दे रखा है, क्लोजिंग का इंडेक्स 200 है, ओपनिंग का 160 है, उसके बेस पे हमने उनकी आज की करंट वैल्यू निकाली है। तो करंट वैल्यू क्या हुआ, चेंज 4500 आ गया, तो नेट चेंज कितना आया है, पहले 20,000 था अब 4500, तो नेट चेंज इज 15,500। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर लो, अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। बोलो बच्चे, किसी को कोई डाउट हो बेटा दोबारा पूछ लो। मैम ये स्टेट वाला इंडेक्स था ना फिर ये क्या, ये स्टेट में जो इंडेक्स किया था जो वही वाला नहीं? हाँ इंडेक्स तो वही होता है, वो वही तो बता रहे हैं ना कि इंडिया में ऐसा ऑथेंटिक इंडेक्स कोई नहीं है, जहाँ पे जैसा सूट करते हैं ना हम वैसा कर लेते हैं। तो ये आप जैसे हर मेथड में वो अलग इंडेक्स लगा लेगा,
सीपीपी मेथड में उसने अलग तरह से इंडेक्स नंबर्स यूज़ किए थे, यहाँ पे वो इंडेक्स नंबर अलग तरह से कर रहा है। यहाँ पे हम एक्चुअल आज की वैल्यू निकाल रहे हैं। हाँ जी बोलो बेटा, बाकी हेलो मैम। हाँ जी अमित बोलो। मैम रिकॉर्डिंग भेज दो ना अगर। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ओके मैम। हाँ जी राजदीप समझ आया? यस मैम। चिराग? यस मैम। मनीष को भी लग रहा है क्लियर नहीं हुई चीजें। मनीष बाकी बेटा, गर्ल्स अनीता चंचल प्रियंका सृष्टि क्या मैम हो गया क्लियर? दोबारा करोगे कोई डाउट रह जाएगा उसको हम ले लेंगे एक बार, अभी जैसे मैंने करवाया वैसे समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोबारा भी कर लेंगे। हाँ जी रीतम सतबीर सृष्टि यस मैम हो गया समझ। मनीष करे आगे डेप्रिसिएशन के कल करना है? कल कर लेंगे मैम। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कल स्टार्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं आज आप इसको अच्छी तरह कर लेना, इस एडजस्टमेंट को फॉर्मूला देख लेना, सम ट्राई कर लेना इसका, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट हम कल स्टार्ट कर लेंगे ठीक है। अटेंडेंस भेज दिए सबने चैट बॉक्स में? यस मैम। चलो जिन्होंने अटेंडेंस भेज दी है दे कैन लीव द क्लास, अगर किसी के मन में कोई डाउट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन लीव द क्लास, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क।